हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का टेक्निकल जीनियर चैनल में। दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों, अगर आप वीडियो क्रिएटर हो दोस्तों, तभी आपने इस वीडियो पे आपने क्लिक किया। आप लोगों को पता है कि दोस्तों यूट्यूब का पैसा रिसीव करने के लिए अपने बैंक खाते में, उसके लिए दोस्तों आपको अपने एडसेंस के अंदर आपको अपने बैंक खाते को ऐड करना होता है। आप दोस्तों कई लोग आप में से दोस्तों क्या करते हैं कि वहां पर जो है एडसेंस अकाउंट को क्रिएट करते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं कि अपना अकाउंट जो है ऐड कर देते हैं उसके अंदर। ठीक है, आप अपना अकाउंट उसके अंदर ऐड कर ले, फिर किसी का भी इसके अंदर अकाउंट जो अपना ऐड कर सकते हो, जिसका भी अकाउंट आप ऐड करोगे उसके अंदर जो पैसा यूट्यूब का आ जाएगा। बट दोस्तों देखो, कभी ना कभी आपने सोचा होगा, कभी ना कभी आपके मन में डाउट होगा कि अगर आप लोग का, अगर मान लो कि अगर आप लोगों का ज्वाइंट खाता है, यानी कि ज्वाइंट अकाउंट है, कोई मान लो लेडीज से वो ब्लॉग वगैरह शूट करती है, उसका ज्वाइंट खाता है अपने हस्बैंड के साथ, वो दोस्तों इस केस में क्या करेगी, बैंक अकाउंट को ऐड करेगी एडसेंस के अंदर कि नहीं करेगी। ठीक है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसका क्या आंसर है मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले देखो दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने बताया था कि गूगल एडसेंस के अंदर बैंक अकाउंट को कैसे ऐड करेंगे। तो वहां पर देखो मेरे पास एक कमेंट आया, जहां पे ये सुनीता रौनक ब्लॉग्स की तरफ से एक मेरे पास कमेंट आया, जहां पे इन्होंने मेरे से पूछा है कि सर मेरा एक गूगल एडसेंस अकाउंट है और इसके अंदर मुझे अपना बैंक अकाउंट को जो है ऐड करना है, लेकिन इसमें क्या है कि मेरा हस्बैंड के साथ मेरा जो बैंक खाता है वो ज्वाइंट है। ठीक है, यानी कि मेरा हस्बैंड का और मेरा, हम दोनों का ज्वाइंट खाता है, ज्वाइंट अकाउंट है। तो क्या इस केस में हम एडसेंस के अंदर वो ज्वाइंट अकाउंट ऐड करें कि नहीं करें, अगर वो ऐड कर देते हैं तो पैसा आएगा कि नहीं आएगा। देखो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बहुत लोगों के पास, ये क्वेश्चन बहुत डाउट होता है बहुत लोगों के पास। ठीक है, तो देखो दोस्तों इस केस में आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो दोस्तों, अगर आप लोगों का ज्वाइंट खाता है तो देखो मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों का ज्वाइंट खाता है, अगर आप ऐड करना चाहो उसके अंदर तो आप ऐड कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग पास अगर कोई सिंगल आपके नाम पे अगर कोई खाता है, कोई बिना ज्वाइंट खाता के कोई भी एक सिंगल खाता है, कोई सिंगल अकाउंट है, तो वो अकाउंट अगर आप ऐड कर दोगे अपने एडसेंस अकाउंट के अंदर तो वो सबसे ज्यादा आपका सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि देखो कभी इनकेस अगर इन फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम आती है, कभी यूट्यूब का पैसा आपके खाते में नहीं आता है, आपको हो सकता है बैंक ब्रांच जाना पड़ जाए, तो उस केस में दोस्तों आप क्या करोगे, आप बैंक ब्रांच जा सकती हो या फिर ऑनलाइन भी सब सारा काम आपका हो जाएगा। लेकिन दोस्तों देखो क्या है कि ज्वाइंट खाता में दोस्तों ये क्या है कि ये प्रॉब्लम बहुत फेस करना पड़ता है कि ज्वाइंट खाते में अगर आपको बैंक जाना पड़ेगा तो आपको अपने हस्बैंड के साथ जाना पड़ेगा। ठीक है, आपको अकेला नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ज्वाइंट खाते में ऐसा होता है कि आप अकेले जाओगे तो काम आपका हो जाएगा। लेकिन दोस्तों देखो यूट्यूब पे अगर आपको जो है एडसेंस के अंदर अपने बैंक अकाउंट को ऐड करना है तो ये मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि दोस्तों अपने एडसेंस के अंदर अपने एक सिंगल खाते को ऐड करो। ठीक है, बाकी देखो अगर आपको ज्वाइंट खाता अगर आपको ऐड करना है तो कोई इशू वाली बात नहीं है, आप जो है ऐड कर सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा रहेगा कि आप सिंगल खाता उसके अंदर ऐड कर सको। तो देखो यहाँ पे आई होप कि यहाँ पे जो सुनीता रौनक जो ब्लॉग है, इनका डाउट आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, और इनके साथ साथ दोस्तों आप लोगों का भी डाउट जो क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको ज्वाइंट खाता ऐड करना है तो कर लो आप ज्वाइंट खाता ऐड, कोई इशू नहीं है। अगर आपको आपके पास सिंगल खाता है तो वो इसके अंदर ऐड कर लोगे तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, जो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो देखो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे आप कमेंट में बताना, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ।